तो आज के वीडियो में दोस्तों तुम लोगों को ये वाला पिक्चर का आउटलाइन बना के दिखाऊंगा, कैसे बनाना है वो मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसका जो लिंक है वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कैमल का A3 शीट वाला स्केच बुक, तो इसके ऊपर ही मैं बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर का जो एंगल है कुछ इस तरीके का है। ऊपर के साइड पे मैं एक राउंड शेप का सर्कल बनाऊंगा और नीचे के साइड पे एक स्टिक होगा जो कि थोड़ा सा कर्व होगा। और ये दोस्तों सिर्फ बेस है और इसके ऊपर ही हम लोग ड्रॉइंग को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तुम लोग देख सकते हो मैंने बेसिक जो ड्रॉइंग है उसके ऊपर ड्रॉइंग को बनाना शुरू किया है। और यहाँ पे भाई सबसे पहले मैं फेस का पार्ट को दे रहा हूँ, दोनों साइड पे मैं ईयर्स को भी दे दूंगा। और यहाँ पे जो आंखों का पार्ट है वो कौन से पार्ट पे आएगा यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। मैंने जो सर्कल बनाया है उस सर्कल का थोड़ा सा ऊपर का पार्ट होगा आंखों का, और जो सेंटर है उस पे मैं दूंगा नोज को। तो यहाँ पे दोस्तों बालों का पार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ दोस्तों पाइनएप्पल जैसा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों तुम लोग देख सकते हो पाइनएप्पल के ऊपर जिस तरीके से लीफ का पार्ट होता है तो सेम तरीके से यहाँ पे भी देना है। और ये दोस्तों बहुत ही शार्प तरीके से तुम लोग को देना है, मतलब कि दोस्तों हेयर्स का जो ऊपर का पार्ट है वो तुम लोग को बहुत ही नुकीला बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कैसे मैं कर रहा हूँ, नीचे के साइड से बहुत सारे है और ऊपर के साइड पे भी बहुत सारे है। नीचे के हेयर्स से दोस्तों ऊपर का जो हेयर्स है वो थोड़ा सा लंबा होगा, तो यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो कैसे कर रहा हूँ। हेयर्स के ऊपर दोस्तों बहुत सारे रिफ्लेक्शंस भी है तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ। आईब्रोज को दोस्तों मैंने यहाँ पे दे दिया है, अभी नोज और माउथ को भी दे दूंगा यहाँ पे। और माउथ को देख सकते हो कैसे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों स्माइली फेस होगा, तो स्माइली फेस को कैसे दे रहा हूँ यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। और बहुत ही इजी तरीके से तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको बना सको। गोकू का जो ड्रेस होता है दोस्तों वो बहुत ही लूज होता है, तो क्लॉथ के ऊपर दोस्तों बहुत ही ज्यादा फोल्ड्स वगैरह होगा। तो फोल्ड्स को भाई कैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे तुम लोग अच्छे तरीके से नोटिस कर सकते हो, और एक एक पार्ट को मैं बहुत ही बारीकी से तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो क्लॉथ के ऊपर कितना ज्यादा फोल्ड्स वगैरह है। अभी मैं ऑपोजिट हैंड को भी दे दूंगा। और जब भी दोस्तों तुम लोग फ्री हैंड का यूज करके ड्राइंग को बनाते हो तो एक चीज दोस्तों ध्यान में रखो कि फ्री हैंड में हमेशा आइडिया करके ड्राइंग को बनाना होता है। और जब भी दोस्तों तुम लोग एक पार्ट को ड्राइंग करते हो तो नेक्स्ट पार्ट कितना दूर है वो दोस्तों तुम लोग को आइडिया करके देना होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से तुम लोग आइडिया करो कि एक आग को तुमने ड्रॉ किया है और दूसरा आग कितना दूर होगा वो तुम्हें आइडिया करके देना है। और जब भी तुम समझ लो कि दूसरा आग भी तुमने ड्रॉ कर लिया है तो नोज और माउथ का पार्ट कितना दूर होगा उससे तुम लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से बनाया जाता है फ्री हैंड को। अभी दोस्तों पैर का पार्ट भी मैं दे दूंगा, और पैर के ऊपर भी बहुत ही लूज कपड़ा है तो यहाँ पे लूज कपड़े को कैसे दे रहा हूँ तुम लोग देख सकते हो। ऊपर जिस तरीके से मैंने फोल्ड्स वगैरह को दिया है सेम तरीके से यहाँ पे भी देना है। अभी सबसे नीचे जूते का जो पार्ट है उसको भी मैं अच्छे तरीके से दे देता हूँ।
अभी मैं एक स्केल का यूज करूंगा पीछे डंडे को देने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कैसे दे रहा हूँ, और इस डंडे के ऊपर भाई बहुत सारे कपड़ा वगैरह भी है, तो उसको भी मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे दे देता हूँ। वीडियो दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुका है। वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा वो कमेंट पे जरूर बता देना, और इसको भाई कौन से कलर का यूज करके बनाने से बहुत ही बढ़िया होगा वो कमेंट पे जरूर बताना। मैं तो भाई इसको कलर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम लोग भाई एक्साइटेड हो तो कमेंट पे जरूर बता देना। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लो।